साधु बाबा ने कहा, जब नहीं देना था तो मुझे वापिस लेके आई क्यों? सासू ने कहा, बहू कौन होती है मना करने वाली, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इस घर की मालकिन मैं हूँ, मना करूंगी तो मैं बहू कौन होती मना करने वाला। अब मैं मना कर रही, मुझे रिक्शा नहीं देना, जा। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, बात को समझिए, अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने कहा कि वो जो अहमद खा है, कि आप उसके भाई हैं? मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला, नहीं मैं उसका भाई नहीं हूं, वो मेरा भाई है। अहंकार कितना सूक्ष्म, समझने की कोशिश करिएगा। वो नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा, तोड़ रहा था, पैर फिसल गया, और जैसे ही पैर फिसले कि तुम्हारे गिराने से नहीं गिरेगा, मैं गिराऊंगा, कब गिराना है वो मैं तय करूंगा। जैसे ही नारियल तोड़ रहा था कि वो लटक गया, पैर फिसल गए, नारियल को पकड़ के लटका। इतने में क्या हुआ, वहां से एक हाथी वाला जा रहा था। हाथी वाले ने देखा कि ये नजारा, ये करिश्मा, ये जादू, ये तो हमने कभी ऐसा जिंदगी में देखा नहीं। नारियल के पेड़ पे नारियल पकड़ के लटका, उसने कहा, वो समझा भूत भूत, भागा, जल्दी भागा। इसने कहा, भैया डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत भी हूँ तो जिंदा भूत हूँ, मरा भूत नहीं हूँ, मेरे को उतारा हो। हाथी वाले ने कहा, हुआ क्या? बोले, कुछ नहीं, मैं नारियल तोड़ रहा था, मेरे पैर फिसल गए और मैं लटक गया। बाजार में मुझे नारियल 5 रुपए मिल रहा था, लेकिन मैं लोभ के चंगुल में आ गया और फ्री का नारियल पाना चाह रहा था, उसकी दशा ये हुई। तो हाथी वाले ने कहा, मैं उतार तो दूंगा, लेकिन ये बोल, बदले में तू मुझे देगा क्या? हाथी वाला बोला, मैं उतार तो दूंगा, लेकिन ये बोल, तू मुझे बदले में देगा क्या? उस आदमी ने कहा, भैया मैं तुमको 500 रुपए दे दूंगा। 5 रुपए में नारियल मिल रहा था, नहीं लिया। अब 500 रुपए देने के लिए राजी। हाथी वाले ने कहा, नहीं, मैं तो पूरी 1000 लूंगा, 1000 लूंगा। बोले, 1000 भैया कुछ ज्यादा होती है। तो बोले, मैं चला। अरे भैया रुक, कोई बात नहीं, तेरे को 1000 दूंगा, पर जा मत, मेरे को नीचे उतार, मरता क्या नहीं करता। 1000 रुपए देने को राजी हो गया। हाथी वाले ने हाथी उसके नीचे खड़ा किया, खुद हाथी पर खड़ा हुआ, उसके पैर पकड़े उतारने के लिए, और जैसे पैर पकड़े हाथी आ गया। हाथी आ गए। आप कितने हो गए? 2 हो गए। महावीर ने कहा, दुनिया में जो भी लोभ के चक्कर में आएगा, पुण्य की चादर छोटी है, इच्छाओं के पैर बड़े हैं। जो भी लोभ के चंगुल में आएगा, जो भी लोभ के चंगुल में आएगा, उसकी यही दशा। दो लटक गए। इतने में क्या हुआ, एक ऊंट वाला आया, उसने देखा, डर गया। एक आदमी लटका हो, बात समझ में आती है, यहाँ तो एक के नीचे है एक, वो अब डर के भागने लगा। तो दोनों का, अरे भाई भागो मत, हमारी भी सुनो। बोले, क्या हुआ? बोले, पहले तो हमको नीचे उतारो। अरे हुआ क्या? उसने पूरी कहानी बताई, ये दूसरा कैसे आया वो भी बताया। तो ऊंट वाले ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुमको उतार तो दूंगा, लेकिन ये बताओ, बदले में दोगे क्या? उतार तो दूंगा, लेकिन ये बताओ, बदले में दोगे क्या? ऊपर वाले ने कहा, मैं 1000 रुपए इसे देने वाला था, अब इसे नहीं दूंगा, अब तुम क्या दूंगा? और उस ऊंट वाले ने हाथी वाले से पूछा, तू क्या देगा? उसने कहा, मेरे पास तो भी ज्यादा है नहीं, पर मैं 500 रुपए तुमको दूंगा,
ऊंट वाला बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ, बोला ठीक है ठीक है मैं उतारता हूं। ऊंट खड़ा किया, ऊंट पे खड़ा हुआ, हाथी वाले के पैर पकड़े कि ऊंट कितने हो गए और कितने और कितने लटकाऊं? नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं तो लटकाता जाऊंगा, मुझे क्या तकलीफ है। तीन लटक गए, तीन लटके, तीन लटके। अब ऊपर वाला बोला भैया मेरे पांव हाथ थक गए, मेरे हाथ में दर्द हो गया, इसलिए मैं हाथ छोड़ता हूँ। नीचे वालों ने कहा मेरे बाप ये सब मत करना, तो ऊपर वाले ने कहा अच्छा बोल। फिर उसकी गिनती, बात लोग बात को समझना, बात को समझना। ऊपर वाला बोला ठीक है नहीं छोड़ता, मगर ये बताओ कि इसके बदले में मुझे क्या देगा। हाथी वाला बोला कि तू मुझे 1000 देने वाला, अब मैं तेरे को 1000 दूंगा। वाह वाह वेरी गुड। ऊंट वाले से बोल और तू क्या देगा। मैं 5 रुपए देने वाला था, अब वो इसको ना देके तेरे को दूंगा। अच्छा उसने हिसाब लगाया, 1000 रुपए तो देगा हाथी वाला और 500 रुपए देगा ऊंट वाला, तो 1001 और 501 तो कितने हो गए, 1500 हो गए। 1500 रुपए मिलेंगे, साथ में ये नारियल भी तो मिलेगा। बड़ा खुश हुआ, खुशी में ताली बजाई और जैसे ही ताली बजाई निरुपमामती अब गिरा। अब गिरा, देखो कितनी देर में गिराए। भगवान महावीर ने कहा इच्छाओं के पैर बहुत बड़े हैं, इसलिए जीवन में जिंदगी भर का, जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो हर हाल में जीने की आदत डालो। अभी तो हालात ये हैं, सबको गिला है बहुत कम मिला है, सबको गिला है बहुत कम मिला है। सोचो तो जरा तुम जितना कितनों को मिला है। सबको गिला है बहुत कम मिला है। सारी दुनिया गरीब आदमी सुबह घर से निकलता है पेट भरने के लिए, गरीब आदमी सुबह घर से निकलता है पेट भरने के लिए, और अमीर आदमी सुबह घर से निकलता है पेट कम करने के लिए। सबको गिला है बहुत कम मिला है, सबको गिला है बहुत कम मिला है। जरा सोचिए तो आप जितना कितनों को मिला है। सोच बदलिए। आपके आधे दुख खत्म हो जाएंगे, सिर्फ सोच बदलने से दुख खत्म हो जाते हैं। सिर्फ सोच बदलने से मुरझाया हुआ चेहरा खिल जाता है। जीवन में गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी, दोनों के जीवन में दुख है। दाम बिना निर्धन दुखी, बोलो तृष्णा वश धनवान।
कबहु ना आ, आ, अपने अपने सब्जेक्ट देखो ठन। दो पंक्तियों में महावीर के शब्दों में कवि ने उतार दिया और कह दिया, गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, अब दुख भरे संसार में क्या करना। और हमारा जो दुख है, खुशी पल भर में गम में बदल जाती है। खुशी खुशी पल भर में गम में बदल जाती है। पत्नी ने फोन करके अपने पति से कहा, मुझे जब भी तुम्हारी मायके गई पत्नी ने, मायके गई पत्नी ने, मायके गई पत्नी ने फोन करके अपने पति से कहा, मुझे जब भी तुम्हारी याद आती है मैं तुम्हारी फोटो देख लेती हूँ। पति बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। पत्नी ने कहा, मुझे जब भी तुम्हारी याद आती है मैं फोटो देख लेती हूँ। तो पति ने कहा, और जब तुम्हें मेरी आवाज सुनने का दिल करता है तब क्या करती हो? पत्नी ने कहा, कुत्ते को लात मार देती हूँ। पल भर पहले खुशी आई थी, बात समझना, पल भर पहले खुशी आई थी, पत्नी मेरे को इतना याद करती है, लेकिन अगले ही पल वो खुशी गम में बदल, कुत्ते को लात मार दी थी। महावीर ने कहा, संसार दुखमय, इसीलिए घर में रहो, दुकान भी जाना पड़ेगा, ऑफिस भी जाना पड़ेगा, आपके पीछे पूरा परिवार है, दुनियादारी है, वो करना पड़ेगी, लेकिन इस बात को मत भूलो, वास्तविक सच क्या है उसको भी याद रखो। ये दुनिया व्यवहारिक सच्चाई को तो याद रखती है पर वास्तविक सच्चाई को भूल जाती है। व्यवहारिक सच्चाई क्या है और वास्तविक सच्चाई क्या है ये समझ लेना जरूरी है। व्यवहारिक सच्चाई ये दुकान मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है, ये घर मेरा है, ये व्यवहारिक सच्चाई है, ये पत्नी मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है, ये बच्चे मेरे हैं, ये व्यवहारिक सच्चाई है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। पर वास्तविक सच्चाई तो ये है, ये शरीर भी तेरा नहीं है। वास्तविक सच्चाई ये सारी दुनिया व्यवहारिक सच्चाई को तो याद रखती है पर वास्तविक सच्चाई को भूल जाती है। कल एक सज्जन कह रहे थे, महाराज 18 साल के बाद आप सहारनपुर में आए। सहारनपुर, हमारा सहारनपुर आपको कैसा लगा? नौजवान कह रहा था, महाराज आप 18 साल बाद सहारनपुर आए, आपको हमारा सहारनपुर कैसा लगा? ऐसा बोल रहा था वो जैसे सहारनपुर इसके बाप का हो। अरे मैंने कहा, भैया ये मेरे तेरे में मत पड़, वास्तविक सच्चाई तो ये है, ये शरीर भी अपना नहीं है। यस्यास्ति निकाम बभूषापि सार्धम् तस्यास्ति किं पुत कलत्र मित्तये पृथक् कृते चर्मणि रोम कूपा कुतो स्थितंति शरीर मध्ये। अच्छा, अमित गति ने समायिक पाठ में कहा है, यह शरीर भी नहीं है तो ये बाहर की चीजें इसको तू अपना कैसा बोल सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूं, घर में रहिए, परिवार में रहिए, दुकान भी जाइए, ऑफिस भी जाइए, व्यापार भी करिए, बिजनेस भी करिए, रिश्ते भी निभाइए, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि दुनिया में तुम्हारे पास जो कुछ है बतौर अमानत है। दुनिया में तुम्हारे पास जो कुछ भी है बतौर अमानत का है, बतौर अमानत है। बेटा है वो बहू की अमानत है, बेटी है वो दामाद की अमानत है,
तुम्हारे पास जो कुछ भी है बतौर अमानत है। बेटा है वो बहू की अमानत है। चक्रवर्ती जैसा तुम्हारा पुण्य नहीं है, जो चाहो वो मिल जाए, जब चाहो तब मिल जाए, जितना चाहो उतना मिल जाए। इतना पुण्य तुम्हारा नहीं, पुण्य की चादर छोटी है, पुण्य की चादर छोटी है। इच्छाओं के पैर लंबे हैं, इच्छाओं को सिकोड़ो। चादर छोटी हो, पैर लंबे हो तो क्या करना चाहिए बोलो? चादर छोटी हो, पैर लंबे हो, क्या करना चाहिए? कौन बोला पैरों को काट देना चाहिए? बहुत ही बेईमान हो तुम लोग। आशय जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए चादर छोटी हो, पैर लंबे हो। समझदार कहेगा पैरों को सिकोड़ लेना चाहिए। यही बात महावीर ने अपने शब्दों में कही, इच्छाओं को नियंत्रित करो, इच्छाओं को नियंत्रित करो। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना, जो मिला है उसका उत्सव मनाओ, अहंकार मत करो। क्योंकि जो मिला है वो हमेशा के लिए नहीं मिला है। जो मिला है, जो मिला है, जो मिला है वो हमेशा के लिए नहीं मिला है। बारी बारी से मिलता है, बारी बारी से मिलता है। और अगर कभी कोई व्यापार में नुकसान हो जाए तो जी मत जलाना, सोचना ठीक है अन्याय का पैसा आया होगा, अच्छा हुआ चला गया। संतोष रखना, संतोष रखना, संतोष रखना। बिल्ली दूध पी जाए, कुत्ता रोटी खा जाए, जी मत जलाना, बल्कि सोचना जिसके भाग में था वो ले गया। हमारी माताओं बहनों की एक बहुत बुरी आदत होती है, अगर दूध गर्म करने रखा और दूध में उबाल आ गया और मलाई गिर गई तो सारे दिन जी जलाती है, हाय राम मलाई गिर गई, हाय राम मलाई गिर गई, हाय राम मलाई गिर गई, हाय राम। अरे मलाई ही तो गिरी है, तू तो नहीं गिरी ना। जी मत जलाइए प्लीज, जी मत जलाइए, जी मत जलाइए, जी मत जलाइए। सोच बदलिए, चिंतन बदलिए। चिंतन से ही आपके दुख कम होंगे। बाकी कोई मंत्र किसी साधु के पास नहीं है, वो मंत्र आपको दे दे, वो मंत्र आप जाप कर लो, आपके दुख खत्म हो जाएंगे। मेरा अपना मानना है किसी साधु के पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है।